कोरोना वायरस की दहशत ने इन दिनों पूरे देश में हलचल मचा रखी है, लेकिन अभी तक शाजापुर जिले में लिए गए सैंपल में से एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। वहीं सोमवार दोपहर को अचानक शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक खबर ने हलचल मचा दी, जिसमें बताया गया कि शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया नगर का एक व्यक्ति जो नीमच एवं इंदौर गया हुआ था, जो एक हफ्ते पहले ही अपने शहर आया था, जिसके बाद से ही इसकी तबीयत थोड़ी खराब रह रही थी, जिसका उपचार स्थानीय लेवल पर बंगाली डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि दिनेश को नीमच से आने के बाद हल्का बुखार और सर्दी खांसी के कुछ लक्षण थे, जिसका उपचार पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया। सोमवार को दिनेश अपने डॉक्टर के पास गया और कहा कि मुझे सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ आ रही है, जिस पर डॉक्टर द्वारा तुरंत जिला प्रशासन को सूचना दी और जिला प्रशासन दिनेश एवं उसकी पत्नी के साथ साथ दिनेश का उपचार करने वाले डॉक्टर को भी परीक्षण के लिए शाजापुर से गई। 108 एम्बुलेंस से शाजापुर जिला चिकित्सालय लाए, जहाँ से उनके सैंपल लेकर जाँच के लिए भोपाल भेज दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि दिनेश कोरोना वायरस की रिपोर्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। वहीं नगर पंचायत द्वारा भी दिनेश के घर में सैनिटाइज की दवाई छिड़की गई है। वहीं लोगों को एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने की अपील भी की है। साथ ही दिनेश के मकान पर एक कागज भी चिपकाया गया है, जिस पर लिखा है कोई भी परिवार इस परिवार के संपर्क में ना आए और ना ही इस परिवार के सदस्य किसी और परिवार के संपर्क में आए। साथ ही इस पर्चे पर प्रशासनिक सील और हस्ताक्षर भी लगे हैं। वहीं दिनेश के डॉक्टर बंगाली और दिनेश की पत्नी को क्वारंटाइन में रखा गया है। जिला चिकित्सालय के CMO शुभम गुप्ता ने बताया कि फिलहाल तो सैंपल में ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन सूचना के बाद से ही दिनेश के घर एवं आसपास के क्षेत्र में पुलिस द्वारा लोगों का आवागमन बाधित कर दिया गया है। कल दिनेश पिता अमर सिंह अवंतीपुर बड़ौदिया थाने से पुलिस ने हमारे यहाँ पर शाजापुर में रेफर किया था। कोरोना वायरस से रिलेटेड सिम्टम्स उसमें वहाँ उन्हें देखे गए थे और यहाँ आने पर हमने उनका SpO2 और टेम्परेचर की जांच करी, जो कि नॉर्मल थी, और फिर भी हमने एहतियात के तौर पर उन्हें 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के सुझाव दिया है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। जिस डॉक्टर ने उन्हें देखा था, जो कोई क्वैक था, बंगाली डॉक्टर था, उसको भी हमने होम क्वारंटाइन कर दिया है 14 दिन के लिए। इन लोगों को 14 दिन का क्वारंटाइन किया हुआ है और कोई लक्षण आने पर हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी तो हमारी टीम जाकर उनको दवाई गोली या जैसा भी आगे रेफर भी करना होगा तो वो हम लोग करेंगे। सर, टोटल कितने लोग थे उसमें? उसमें दिनेश पिता अमर सिंह और उनकी पत्नी और एक जो संबंधित डॉक्टर जिसने उन्हें देखा था। शाजापुर से हरीश कुशवाहा की रिपोर्ट।